नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी एस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा SSC के प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। आज हम इसका 12वां सेट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलेंगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। दूध को दही बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायता प्रदान करता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? जीवाणु। लैक्टिक एसिड जीवाणु तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही दही जमता है। तो लैक्टिक एसिड तथा जीवाणु एवं कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण दही जमता है। सही आंसर होगा जीवाणु। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो बायोगैस में मुख्य रूप से आंसर होगा बी, मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों के सड़ने से बायोगैस उत्पन्न होती है। यह एक जैविक ईंधन है। इसमें प्रमुख रूप से मीथेन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो बायोगैस में मीथेन जो पाया जाता है 50 से 70% तक मीथेन पाया जाता है। मानव हृदय का कौन सा भाग शुद्ध खून को महाधमनी में पंप करता है? तो हम जानते हैं मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं, दो परिकोष्ठ तथा दो निलय। परिकोष्ठ में खून हृदय से आता है तथा निलय से खून शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा बायां निलय शरीर में शुद्ध खून को पंप करता है। शुद्ध खून को महाधमनी में पंप कौन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 क्वेश्चन, और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायां निलय। बायां निलय जो है शरीर में शुद्ध खून को पंप करता है। निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा डी, साउदर्न बोशन। देखिए, ये बोशन लिखा हुआ है, इसे ब्लॉटिंग कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लॉटिंग कह सकते हैं या फिर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट में किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया साउदर्न बोटन या बोशन के नाम से जानी जाती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है यह होता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की कुल संख्या क्या होती है? तो मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या 7 है, या मस्तिष्क को ठीक नीचे की तरफ होते हैं, मस्तिष्क के ठीक नीचे की तरफ, और संख्या कितनी होती है? 7। पदी लव और डव किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो आवाज़ है या ध्वनि है, लव और डव, यह किससे संबंधित है? तो जो लव और डव हृदय से संबंधित हैं, हृदय जिसे हम धड़कन कहते हैं या हृदय का धक धक करना कहते हैं, वह धक धक न करके लव और डव की आवाज़ें निकालता है। इसका संबंध हृदय की आवाज़ से है। सामान्य युवा के हृदय की धड़कन प्रति मिनट क्या होती है? तो सामान्य युवा के हृदय की जो धड़कन होती है यह प्रति मिनट क्या होती है? तो यह 72 से 80 बार धड़कता है। 59 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन आसानी से पचने वाला प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो आसानी से पचने वाला प्रोटीन है? 59 क्वेश्चन। सही आंसर होगा ए, अंडा, एल्यूबिमिन। अंडे का ऊपरी भाग शरीर में प्रोटीन के लिए सबसे आसानी से पचने योग्य है। एल्बुमिन साधारण घुलनशील प्रोटीन होता है जो अंडे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा अपना भोजन खुद नहीं बना सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता? 60 क्वेश्चन। सही आंसर होगा बी, मशरूम। मशरूम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, यह कवक होता है, यह कवक की श्रेणी में आता है। 61 क्वेश्चन, लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में से एक तीखी गंध आती है, इस गंध का जो कारण होता है यह होता है इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति। कारों के सेफ्टी वेग क्या होता है? कारों की सेफ्टी वेग में क्या होता है?
तो इनमें सोडियम एजाइड पाया जाता है। कार में सेफ्टी बैग लगाए जाते हैं अगर एक्सीडेंट होता है तो, या धमक लगने की स्थिति में कार के वो सेफ्टी बैग जो होते हैं वो निकल के आते हैं और किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्ति जब आगे की ओर झुकता है तो आगे बोनट में से निकल के ये व्यक्ति को कवर कर लेते हैं जिससे चोट नहीं लग पाती। तो इनमें क्या पाया जाता है? सोडियम एजाइड। शैडो कैबिनेट किस देश की विशेषता है? शैडो कैबिनेट जो है यह ब्रिटिश संसद की विशेषता है। इसमें विपक्षी दल द्वारा कैबिनेट बनाया जाता है। तो यह किसकी विशेषता है? ब्रिटेन की। राष्ट्रपति सरकार में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति सरकार में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो राष्ट्रपति सरकार में वास्तविक जो, देखिए यहाँ पूछा गया है जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती हैं। वास्तविक तौर पर इन पर हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति ही हो जाएगा। जबकि हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें जैसे हमारे देश में जो मुख्य शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में ना होकर प्रैक्टिकली देखने पर ये किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। संविधान के अनुसार भारत एक किस प्रकार का सरकार है? संघीय सरकार, सकारात्मक सरकार, राज्यों का संघ या प्रांतीय सरकार? तो संविधान के भाग एक में, अनुच्छेद एक में उल्लेख किया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और ये बात किस में कही गई है? संविधान के भाग एक में अनुच्छेद एक के अंतर्गत। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री तो ये थे आर के शनमुगम। आर के शनमुगम जो थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। 1947 से 1949 तक रहे। अंबेडकर के मुताबिक संविधान की आत्मा क्या है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर के मुताबिक संविधान की आत्मा, इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसमें इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार उसे न मिलने की स्थिति में, हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करके उसके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मैन मेंडस या परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ पूछा गया है यहाँ पे, कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, तो ये कहा जाता है या परमादेश का जो अर्थ होता है हम आदेश करते हैं, यानी वी कमांड, वी कमांड। और यह भी अनुच्छेद 32 से संबंधित है। यह कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करवाने के लिए जारी किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प लेने की सुविधा प्रदान करती है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प लेने की सुविधा प्रदान करती है, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर राय लेने की सुविधा प्रदान करती है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह तो ले सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 143 में किया गया है। सेवेंटी क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सी कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की? तो हम एक ट्रिक याद करते हैं, ईट पर नाच, जहाँ हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। तो यहाँ पर थॉमसन पूछा गया है, यानी जे जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई? तो सही आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन। गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह गाड़ी के पीछे के यातायात का स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक तापमान बढ़ाने पर, माध्यम के अपवर्तनांक में तापमान बढ़ाने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक तापमान बढ़ाने पर घटता है।
सुबह तथा शाम सूर्य का आकार अंडाकार क्यों होता है? सुबह तथा शाम के समय सूर्य का आकार जो होता है अंडाकार होता है, और ये किस कारण होता है? तो यह अपवर्तन के कारण फील होता है। गरुड़ शक्ति सेकंड, भारत और किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो गरुड़ शक्ति जो है यह भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो गरुड़ नाम से भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास किया जाता है। आरबीआई ने कितनी संस्थाओं को भुगतान के लिए मान्यता दी है? आरबीआई के द्वारा कितनी संस्थाओं को भुगतान के लिए मान्यता दी गई है? 76 क्वेश्चन, और सही आंसर हो जाएगा बी 11। आरबीआई ने 11 संस्थाओं को भुगतान के लिए मान्यता प्रदान की है, जिनमें से एक भारतीय डाक भी है। 2015 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? 2015 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था यह सानिया मिर्जा को दिया गया। 2015 में विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? तो माइकल क्लार्क। निम्न कथनों को देखें, वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण अमेरिकी सबप्राइम है। भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले तेजी से मंदी से उभर रही है। 79 क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, तो आंसर होगा सी। वर्ष 2007 में अमेरिका में सबप्राइम समस्या की उत्पत्ति हुई, जो मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर आधारित है, यद्यपि इसके वैश्विक समझौते भी हैं, वैश्विक मंदी का कम प्रभाव पड़ता है इस पर, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से तेजी से उभर रही है। एशिया के एक्सपोर्ट प्रोसेसिस जोन की स्थापना कहाँ की गई? एशिया के एक्सपोर्ट प्रोसेसिस जोन की स्थापना जो है कहाँ की गई? तो बी कांडला। कांडला में भारत तथा एशिया के पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। किस राज्य में लैंगिक असामान्यता सर्वाधिक है? किस राज्य में लैंगिक असामान्यता जो है सर्वाधिक है? 81 का आंसर हो जाएगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लैंगिक असमानता सर्वाधिक है, यहाँ का लिंगानुपात 877 था। GAT को विश्व व्यापार संगठन में कब प्रगत किया गया? तो GAT एक संस्थान हुआ करता था पहले, जो अब विश्व व्यापार संगठन में बदल गया है। तो यह जो है 1995 में परिवर्तित हुआ। WTO विश्व व्यापार संगठन पहले से GAT के TT के नाम से जाना जाता था। 83 क्वेश्चन, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। इसकी स्थापना 1957 में परमाणु शांति के लिए की जा सकती है। IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA के कानून के मुताबिक यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित करेगी। तो 83 क्वेश्चन, तीन ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, और आप देखेंगे और आंसर करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसकी स्थापना IAEA की स्थापना 1957 में परमाणु शांति के लिए की गई, बिल्कुल ठीक। IAEA का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है, सही है। IAEA के कानून के मुताबिक यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित कर देगी। तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, तो इस प्रकार हम देखेंगे सही आंसर होगा ए, 1, 2, 3। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को किस और नाम से जाना जाता है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को किस नाम से जाना जाता है? 84 क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक को ही पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के पश्चात 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य गरीबी खत्म करना है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 85 क्वेश्चन, कौन सा जो है यह सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, तीनों ही ठीक हो जाते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का संगठन न्यूयॉर्क में नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में न होकर वियना में है, और वियना जो है ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो सही आंसर होगा डी, सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो के साथ में। 86 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जुआन सोमालिया ILO ये कुछ अध्यक्ष दिए गए थे उस समय के, तो चलिए हम सीधा आंसर ही टिक कर लेते हैं। आंसर होगा इसका बी।
आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा वो था बी। उस समय के करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो अब हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, इस संदर्भ में निम्न परिकल्पनाओं को देखें। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, इस संदर्भ में निम्न परिकल्पनाओं को देखें। 87 क्वेश्चन देखेंगे सभी। भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान, सिंचित भूमि क्षेत्र को दोगुना करना, पशुपालन तथा मछली पालन को बढ़ावा देना और किसानों को ब्याज रहित कर्ज देना। तो 87 क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं जो ठीक हो जाते हैं, तो हम देखेंगे इनमें से सिंचित भूमि क्षेत्र को दोगुना करना तथा किसानों को ब्याज रहित कर्ज देना, ये दोनों ही फैक्ट क्या होते हैं, ठीक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। पुनकक जया छोटी किस देश में स्थित है, तो पुनकक जया नामक जो छोटी है यह किस देश में स्थित है, तो पुनकक जया इंडोनेशिया की सर्वोच्च छोटी है, यह इंडोनेशिया की सर्वोच्च छोटी है। रिहंद बांध से किस राज्यों में सिंचाई होती है, रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश की पीपरी सोनभद्र जिले में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका अन्य नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है, यह रिहंद नदी पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। लोकटक क्या है, तो पूर्वोत्तर में स्थित लोकटक जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप लोग बताएंगे लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। लोकटक क्या है, पूर्वोत्तर में स्थित एक झील है। नीलगिरी पहाड़ियों में किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, तो सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस के, नीलगिरी पहाड़ियों में सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। 92 क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग मरुस्थल है, पृथ्वी का कितना भाग जो है यह मरुस्थल है, तो सही आंसर होगा 92 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और सभी लोग देखेंगे आंसर करेंगे इसका, 92 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 1/3 भाग, पृथ्वी का कितना भाग मरुस्थल है, तो 1/3 भाग। भारत में झींगे की राजधानी किसे कहते हैं, भारत में झींगे की राजधानी जो है क्या कहलाती है, तो नालौर को भारत में झींगे की राजधानी कहा जाता है। दक्षिण भारत के नीलगिरी पठार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, दक्षिण भारत के नीलगिरी पठार में टोडा जनजाति पाई जाती है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, एस्किमो ग्रीनलैंड रेड इंडियन अमेरिका मॉरिस न्यूजीलैंड और बुशमैन सहारा, तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, तो बुशमैन जनजाति जो है, ये बुशमैन होगा, बुशमैन जनजाति जो है ये सहारा मरुस्थल में ना होकर किस में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा डी, यह सहारा में ना होकर कालाहारी मरुस्थल में मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। 97 क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1828 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, इसी दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनेट का जन्म हुआ था, उन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे पौधों के द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे पौधों के द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, सही आंसर होगा बी, लाल तथा नीला, लाल तथा नीला का प्रकाश हरे पौधों के द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। शांत क्षेत्र में शोर का स्तर क्या होता है, शांत क्षेत्र में शोर का स्तर जो होगा वो क्या होगा, तो शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसिबल तक की तीव्र ध्वनि की छूट है, यानी 50 डेसिबल। नेल पॉलिश हटाने वाले द्रव्य में क्या होता है, 100 क्वेश्चन, नेल पॉलिश हटाने वाले द्रव्य में
क्या होता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।